हेलो नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? आज हम चित्रों में रंग भरेंगे, हिंदी में स्वर देखेंगे और उसके सामने जो हमारे पास चित्र हैं उनमें सही चित्र में रंग भरेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास स्वर हैं और उनके सामने दो दो चित्र बने हुए हैं जिसमें सही चित्र पर हमने रंग भरना है। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बच्चों, सही चित्र पर रंग भरो। ये इस पर स्वर लिखे हुए हैं इधर और उसके सामने दो दो चित्र बने हुए हैं हमारे पास, तो हमने एक चित्र जो सही चित्र है उसी पे रंग भरना है। ओके बच्चों, जैसे आ, ये क्या है, आ, आ के सामने दो चित्र बने हुए हैं, इमली आम, आ से क्या बोलते हैं, आम, तो हम आम पे रंग भरेंगे। ओके बच्चों, तो आम के, आम कौन से रंग का होता है, पीले रंग का, तो मैं पीला रंग आम में भरती हूँ। और रंग भरते समय हमें ध्यान करना है कि हमारा जो रंग है, ये लाइन बनी हुई है, इसके बाहर नहीं जाए, ऐसे भरते जाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह हम सारी पिक्चर में रंग भरेंगे सुंदर सुंदर सा। और ये देखिए, हमारे आम में पीला रंग हो गया। अब उसमें देखेंगे कहीं पे साइड में ज़रा सा भी छूट रहा है तो हम उसको करते हैं, जो रंग है हमारा लाइन से बाहर नहीं आए। ओके बच्चों, अब इसके साथ आम के ऊपर बनी हुई है पत्ता, पत्ती बनी है ना, हरे रंग की होती है पत्ती, इस रंग की होती है हरे रंग की, तो हम हरा रंग लेंगे। इसमें कौन सा रंग भरेंगे, हरा। ये देखिए, आप देखते हो ना पत्ते हरे रंग के होते हैं, तो पत्तों में हमेशा हरा रंग भरना चाहिए। ओके बच्चों, ये देखिए, चित्र बनने के बाद, रंग भरने के बाद हमारा चित्र कितना सुंदर लग रहा है। अगला स्वर देखेंगे हम अंग, अंग, अंग से क्या होता है, अंगूर, और ये क्या बनी है, ईख। अंग से अंगूर होता है तो हम अंगूर पे ही रंग भरेंगे, अंगूर हरे रंग का होता है ना, तो हरा रंग, इसमें भी हरा रंग भरेंगे और ध्यान से ऐसे भरेंगे धीरे धीरे ताकि लाइन से बाहर ना जाए। इस तरह घुमाते घुमाते इसमें भर लेंगे। क्या बच्चों, देखो आप समझ में आ रहा है ना आपको, देखो अब फिर इसमें इस तरह हम भरेंगे और लाइन से बाहर भी नहीं आए। इस तरह देखो कितना सुंदर बनता जा रहा है। तो हमारे जो जब रंग भर जाते हैं तो हमारे चित्र और सुंदर हो जाते हैं। तो ये अंगूर में भी हमने रंग भर दिया। कौन सा रंग भरा बच्चों, हरा रंग है ना, अंगूर हरे रंग के होते हैं ना, तो इसलिए हमने हरा रंग भर दिया। एक बार फिर देख लेते हैं कहीं छूटा तो नहीं है, तो फिर आराम से धीरे धीरे कर देते हैं। जो बच्चों हो गया, अब अगला स्वर देखेंगे हम ई, इसे इमली, अनार, इसे क्या होता है, इसे इमली होती है ना, तो इमली में ही रंग भरेंगे, अनार में नहीं भरेंगे। तो इमली होती है भूरे कलर की, कौन से कलर की, भूरा कलर। इसे हम ऊपर से इस तरह, इसको भी इस तरह भरते जाएंगे और इसको भी सुंदर सुंदर करेंगे और लाइन के बाहर नहीं जाएंगे। ओके बच्चों, पहले हम लाइन के पास धीरे धीरे करते हैं ताकि लाइन से बाहर ना चला जाए कलर हमारा। इस तरह भरते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा इमली में भी रंग हमने भर दिया। इस तरह से इमली में भूरे रंग की होती है ई से इमली, इस तरह हमें पहचान भी हो जाएगी ई से इमली ही होती है, अनार नहीं होता, और हमने रंग भी भर दिया। अगला स्वर है हमारे पास ए, ए से ओखली भी है और एड़ी भी है, ए से एड़ी होती है तो हम एड़ी में ही रंग भरेंगे। एड़ी में हम भरेंगे
अपनी त्वचा का जैसे कलर होता है, तो हम ये वाला कलर लेके धीरे धीरे इसमें भी भरना शुरू कर देंगे। इसमें पूरे हमारे जो एड़ी में और पाँव में पाँव बना हुआ है, इसमें हम सारे में ये कलर इस तरह भर देंगे ताकि हमारा चित्र कितना सुंदर दिखाई दे। के बच्चों ये देखिए, और कलर जो रंग है हमारा बिल्कुल लाइन से, हमने ध्यान रखना है कि हमारे जो रंग हैं लाइन से बिल्कुल बाहर नहीं आए। ये देखिए बच्चों, आपने देखा कि हमने कैसे सारे ये रंग भी भर दिए और पढ़ भी लिया, हमारे दोनों काम हो गए। एक तो हमने पढ़ा कि स्वरों से कौन सी पिक्चर होती है और उसमें रंग भी भरा। ओके बच्चों, इस तरह आपको समझ में आ गया है कि ये कितना अच्छा तरह अच्छा भी लगा है और हमने रंग भी भरा और स्वरों की पहचान भी हो गई कि किस स्वर से कौन सा चित्र होता है। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।